हरे कृष्णा। गिरिराज रसोई हेल्थ भी और टेस्ट भी में मैं रेखा मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को कुछ मिठाइयों की रेसिपी बताऊं। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये डेट्स और ड्राई फ्रूट के रोल। ये बनाना बहुत ही सरल है। सबसे अच्छी बात ये शुगर फ्री है, एक तरह से आप कैलोरी फ्री भी कह सकते हैं, इसे बिना गिल्ट के खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एकादशी में किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही सरल है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, और आप 3 हफ्ते पहले भी इसे बना के रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग है ना ड्राई फ्रूट रोल्स बनाते हैं, जिसे आप डेट्स की रोल भी कह सकते हैं। उसके लिए हमें ये सामग्री लगेगी। इसके लिए सीडलेस, ये देखिए, या तो बीज निकाल लीजिए या आजकल बाजार में बीज निकले हुए भी मिलते हैं। ये लगभग 400 से 500 ग्राम हैं, 450 ग्राम के करीब है मेरे पास थे, तो इतने मैंने खजूर लिए हैं। इसके अलावा आप मिक्स ड्राई फ्रूट ले लीजिए 150 ग्राम, तो मैंने तो 50-50 ग्राम ये तीनों ले लिए हैं, और थोड़े से मैंने ये गार्निश करने के लिए अलग रख लिए हैं एकदम फाइन कट करके, और ये ऐसे चॉप कर लिए हैं तीनों ड्राई फ्रूट्स। और इसके अलावा खसखस, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं, ये 2 टेबल स्पून ली है, और 2 टेबल स्पून ही मैंने ये बटर लिया है, और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको पल्स में चलाएंगे मिक्सी, और इसको हम कोर्स में ऐसे पीसेंगे। कैसा, मैं दिखाती हूँ आपको, आप बड़े जार में भी कर सकते हैं। बस इस प्रकार देखिए मैंने चला लिया है, बहुत ज़्यादा इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस इस तरह रखेंगे। ये देखिए 7-8 बार ऐसे पल्स पे चढ़ा के मैंने इसको ऐसा रखा है, इसको एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे। चलिए अब गैस पे चलते हैं। गैस को चालू किया है, मीडियम फ्लेम पे हम लोग पॉपी सीड्स को सेक लेंगे। रोस्ट कर लेंगे खसखस को, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए उतना। बस 2 मिनट तक मैंने ये रोस्ट किया, अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसमें ही हम 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ, और इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स, रोस्ट कर लेंगे। वही जो हमने 2 टेबल स्पून घी लिया था उसी को लेके मैं इसे इसमें ये रोस्ट कर रही हूँ। इसको भी लगभग 2 मिनट हम रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बस अब मैं इसको भी गैस बंद करके खाली प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए गैस बंद कर दी, और इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब इसमें गैस फिर से चालू कर रही हूँ, और ये बचा हुआ घी डाल रही हूँ जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था,
और ये खजूर डालेंगे। और इसे सॉफ्ट होने तक, मेल्ट हो जाए थोड़े, गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब ये लाइट हो गया है। अब मैं इसमें ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आप टीस्पून लिया था, और ये सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल रही हूँ। गैस को मैं अब स्लो कर रही हूँ और ये कंबाइन हो जाए सारे ड्राई फ्रूट, इतना हम चलाएंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि एक तो ये शुगर फ्री है, कैलोरी फ्री है, और इसको आप एयरटाइट डब्बे में लगभग 4 से 5 वीक आराम से रख सकते हैं, और ये बनाना भी बहुत आसान है। और जो पपी सीड्स, खसखस जिसे कहते हैं, हमने सेक के रखी थी, उसमें से 1 टीस्पून ये भी डाल देंगे इसमें खसखस, और बाकी गार्निश करने के लिए रखेंगे। ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, और अभी मैंने बंद कर लिया है, और अब इसे प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ, और इसे ठंडा होने देंगे, लेकिन एकदम ठंडा नहीं करेंगे। जब थोड़ा कम ठंडा होगा, हम हाथ में पकड़ सकें, इतना ठंडा लेकिन गर्म ही रहेगा, तब हम इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने खाली कर लिया है, अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा थोड़ा मैं टच कर पा रही हूँ, एकदम ठंडा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा है। मैं इसके 2 रोल बना रही हूँ, आप एक बड़ा रोल भी बना सकते हैं, जैसा आपको करने में सुविधा हो। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देंगे, लेकिन हल्का गर्म ही रहे, तभी इसका टाइट रोल बन पाएगा। लॉक बना रही हूँ मैं, एक को मैं हैंडल करना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो 2 कर रही हूँ, नहीं तो आप एक भी कर सकते हैं। मैं गरम गरम में कर रही हूँ, मेरे हाथ लाल हो गए, आप जरा केयरफुली करिएगा, एकदम गरम में करने की जरूरत नहीं है। ये देखना, बस इसमें बीच में क्रैक ना रहे, टाइट रोल बन जाए। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत बनती है। ये देखिए, अब मैं इसको हैंडल कर पा रही हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, वो जो पपी सीड्स है ना, थोड़े से ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। और थोड़ा सा पिस्ता, ये और सुंदर बन जाए। देख रहे हैं कितना सुंदर बन गया है। ये खजूर जो मैंने मिक्सी में चन किया था, पल्स में 7-8 बार, अगर आप मिक्सी में ना करना चाहें तो आप
इसको बहुत बारीक काट लीजिए तो भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक रोल बन के तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर हमारा, इस प्रकार दूसरा भी कर लेंगे। थोड़ी दूर पे ऐसे ये फैला देंगे और ये पिस्ता। ये देखिए इसको ऐसे रोल करते जाइए। अब देखिए हमारे कितने सुंदर ये रोल बन के तैयार है। अब इसको इसमें एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर आप जो भी लें उसमें टाइट रोल कर दें, जितना टाइट आप कर सकते हैं। और ये साइड से भी बंद कर देंगे एकदम टाइट। ऐसे टाइट बंद कर दिया, इस प्रकार दूसरा भी कर देंगे। और इसको आप शेप अलग भी कर सकते हैं, ये जैसे चारों तरफ से चपटा कर दें। मैं इसे राउंड ही बना रही हूँ। टाइट बंद कर दिया, यहाँ से भी एकदम टाइट बंद कर देंगे दोनों तरफ से भी। ये देखिए एकदम टाइट रोल कर दिया। अब इन दोनों को फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, इसको 2 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर निकाल के इसको हम कट करेंगे। फ्रिज में रखे हुए इसे 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैं खोल रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है। अब इसको हम कट कर लेंगे 1-1 इंच का, जितना बड़ा या छोटा आप कट करना चाहें। इसके साथ ही काट कट करती हूँ, इससे काटिएगा। ये देखिए कितने सुंदर हमारे ये बने हैं। और इस तरह हम ये निकाल देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये बन के आई है। ये काट लिए हैं मैंने, ये देखिए ये इधर से है, ये कितने सुंदर पीस निकल रहे हैं। बस ये मैंने ऐसे ही ये एल्युमिनियम फॉइल हटाते जाएंगे। फ्रेंड्स ये रोल आप जरूर ट्राई करिएगा। एक तो ये शुगर फ्री भी है, हेल्दी है, कैलोरी फ्री है। ये हमारे बन के तैयार हैं। और इसको एयर टाइट डब्बे में आप बाहर ही रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। 3 हफ्ते तक तो बिल्कुल अच्छी रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक लॉक काटा है, ये कितने सुंदर बन के आए हैं। ये देखिए यहाँ से भी देखिए वो पिस्ता इतना सुंदर लग रहा है, खसखस वगैरह लगे हुए। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और बना के कमेंट पे मुझे लिख के बताइए कि आपके कैसे बने। और जैसा कि मैं हमेशा अनुरोध करती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सबसे मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक और मजेदार रेसिपी के साथ। हरे कृष्णा।